So in the past few days, you might have heard about this whole campaign of boycotting Chinese products and some of the hashtags like hashtag boycott Chinese products, hashtag boycott Chinese apps, यहाँ तक कि hashtag boycott Chinese foods तक भी. Facebook की बात हो, Twitter पे तो ये सब चलता ही रहता है, Instagram की बात हो या फिर basically किसी भी social media platform की बात हो, ये जो campaign है, ये जो hashtag है, ये काफ़ी ज़्यादा trend में है and people are actually really furious about boycotting Chinese products after all the border tensions going on and the whole coronavirus pandemic situation, जो कि अपनी जगह पे बिल्कुल justified है. लेकिन एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे एक तरफ तो हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बॉयकॉट करने की बात करते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ हम में से अभी भी काफ़ी सारे लोग अपने हाथ में एक चाइनीज़ कंपनी की ही फ़ोन लेके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या ऐसे सिचुएशन में ये कहना कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बॉयकॉट कर देंगे और एक इकोसिस्टम जिसमें रहने की हमें सालों से आदत हो चुकी है, उस इकोसिस्टम से खुद को कम्प्लीटली कट ऑफ कर देंगे, क्या ये उतना ही आसान है जितना अपने हाथ में फ़ोन उठा के एक हैशटैग को ट्रेंड करा देना? शायद हाँ या शायद ना भी, लेट्स फाइंड आउट. तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, हमें दो बेसिक टर्म्स का मतलब सबसे पहले समझना पड़ेगा. पहला जो टर्म है वो है ट्रेड सरप्लस, जो दूसरा टर्म है वो है ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड सरप्लस हम उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है लेकिन इम्पोर्ट कम होता है. ट्रेड डेफिसिट ऑन दी अदर हैंड हम उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा होता है लेकिन एक्सपोर्ट कम होता है. इस वीडियो में इन दो टर्म्स का यूज़ एक्चुअली काफ़ी बार होने वाला है, सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू क्लियर इट आउट फॉर यू गाइस. नाउ डेट यू नो अबाउट दीज टू वेरी बेसिक टर्म्स, लेट्स नाउ हैव अ लुक ओवर द बिगर पिक्चर. दोस्तों, 1991 और 1992 और 1992-93 की जो दो फाइनेंशियल ईयर्स थी, ये इकलौती दो ऐसी फाइनेंशियल ईयर्स थी जहाँ पे इंडिया वॉज इन ट्रेड सरप्लस विद चाइना. इसका मतलब ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा था लेकिन इम्पोर्ट कम कर रहा था. 2003-04 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग गुड्स ऑफ ओवर $3 बिलियन, लेकिन हम इम्पोर्ट कर रहे थे अराउंड $4 बिलियन का. यहाँ पर जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का डिफरेंस था वो था अराउंड $1 बिलियन का. 2011-12 की ऑन दी अदर हैंड हम उस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अराउंड $18.3 बिलियन का, लेकिन हमारा इम्पोर्ट था अराउंड $57.6 बिलियन का. 2003-04 में जहां पे ये डिफरेंस $1 बिलियन का था, यहां पे ये डिफरेंस इतना ज़्यादा हो चुका था. 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो वहां पे हम इम्पोर्ट कर रहे थे अराउंड $73 बिलियन का. दोस्तों, वहीं पे उस साल में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अराउंड सिर्फ $13.3 बिलियन का. 2011-12 में जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट एटलीस्ट $18.3 बिलियन तो था, 2017-18 में हमारा एक्सपोर्ट गिर के $13.3 बिलियन पहुँच चुका था. दोस्तों, 2011-12 की जो फाइनेंशियल ईयर थी वहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का जो डिफरेंस था वो सबसे ज़्यादा पीक पर चला गया था. अब इसके पीछे रीजंस क्या थी, वो कौन सी ऐसी रीजंस थी जिनकी वजह से इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में धीरे धीरे पिछड़ता चला गया, लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट्स हम चाइना से खरीदते हैं या फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, हमें कोई फोर्स नहीं करता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए. नोबडी पुट्स अस ऑन अ गन पॉइंट एंड टेल कि तुम्हें चाइना से ही प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा वरना तुम नहीं कर सकते हो. नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. लेकिन इसके पीछे क्या रीजंस है कि इतने सारे बॉयकॉट कैंपेन्स के बाद भी हमारा जो इम्पोर्ट रेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है? अब इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं. तो सबसे पहला रीज़न मेरी समझ में आता है वो है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट. आपने ये नोटिस किया होगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हमें काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन वहीं पे बाकी के कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से वो हमें एटलीस्ट उतनी वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे वैल्यू से मेरा मतलब है फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस या फिर बाकी के कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से. दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं होते हैं. अगर आप चाइनीज़ ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि Alibaba.com या फिर Bango.com, इन वेबसाइट्स को कभी आपने अगर सर्च किया होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि आपको इंडियन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे नहीं देखने को मिलते हैं. तीसरा जो रीज़न दोस्तों मुझे समझ में आता है वो है लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव. हम में से कई सारे लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, लेकिन क्योंकि हमारे रीजन में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती हैं तो हमें मजबूरी में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना पड़ता है. नाउ लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो जहाँ पे इंडिया ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर कम्प्लीटली बैन लगा दिया है. अभी ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? दोस्तों, इंडिया जो चाइना से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है वो चाइना के ओवरऑल एक्सपोर्ट में सिर्फ 3% हिस्सेदारी रखता है.
तो ऐसे में अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बॉयकॉट भी कर देते हैं तो वो चाइना को उतना ज़्यादा मॉनिटरली हिट नहीं करने वाला है। ओके, अगर हम चाइना के इम्पोर्ट्स की बात करें तो वो इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट में से 4.4% की हिस्सेदारी रखता है। तो अगर हम एज अ कंट्री देखें तो वी आर स्लाइटली मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना देन यू नो वाइस वर्सा। एक और पॉइंट मैं इंडियन कंज्यूमर्स के बारे में रेज करना चाहता हूँ कि कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में इंडियन कंज्यूमर्स को लगता है कि वो इंडियन है, बट देन उनका जो कंट्रोलिंग स्टेक होता है वो किसी और ही कंपनी का होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फ्लिपकार्ट जो कि कहने को तो एक इंडियन स्टार्टअप है लेकिन उसका जो 77% कंट्रोलिंग स्टेक है वो एक अमेरिकन रिटेल जायंट वॉलमार्ट का है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे काफ़ी सारे लाइक देर आर टर्न्स ऑफ एग्जाम्पल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। JNU के एक प्रोफेसर विश्वजीत धार कोट करते हैं कि इंडिया इज अ रिसोर्स कंस्ट्रेंड कंट्री विच इज सर्चिंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। इफ यू आर लीडिंग टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट फॉरेन फर्म्स। बॉयकॉटिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और बॉयकॉटिंग अ पर्टिकुलर कंट्री मीन्स इंस्टिगेटिंग अ ट्रेड वॉर। नाउ डेट यू हैव सीन ऑल द फैक्ट्स फिगर्स डेटाज एंड एवरीथिंग, I want to share my opinion being a middle class guy. Being a boy was raised in a middle class family जिसको बचपन से ही एक टर्म सिखाया गया होता है, वो टर्म है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले ही मैंशन किया था, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एक मिडिल क्लास इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हम बहुत अमीर नहीं होते हैं, हम बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं होते हैं, हमारे पास बजट होता है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने का, लेकिन हमारे पास उस टाइट बजट से ज़्यादा पैसा नहीं होता है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए। इफ़ आई एम गेटिंग दैट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना एंड नॉट फ्रॉम इंडिया, देन वाई एम आई नॉट सपोज टू बाई इट फ्रॉम चाइना? इफ़ आई वॉन्ट समथिंग एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट प्रोडक्ट दैट इज मेड इन इंडिया, वाई एम आई नॉट सपोज टू बाई इट फ्रॉम चाइना? इफ़ यू वॉन्ट मी टू बॉयकॉट टिकटॉक, और टिकटॉक मुझे ऐसी पोटेंशियल नज़र आती है कि मैं उससे फेमस हो सकता हूँ या फिर आई कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, देन वाई एम आई नॉट सपोज टू यूज़ दैट? एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू बॉयकॉट चाइनीज ऐप्स चाइनीज प्रोडक्ट्स एवरीथिंग, देन यू नीड टू गिव मी अ स्ट्रॉन्ग मेड इन इंडिया ऑल्टरनेटिव। अब चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट तो मैं कर सकता हूँ ना, मेरे मौसी के लड़के ने तो नहीं बनाया है कि मैं बॉयकॉट नहीं कर सकता। ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ बिकॉज आई लव माई कंट्री, आई वुड लव कि अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी उसी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बनेंगे कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग एंड दैट इज़ दिस। थैंक यू।